तो गाइस पांच ऐसे स्पोर्ट लेजेंड जो कि 2024 में रिटायरी ले चुके हैं गेम से, और गाइस ये वही रेसलर या प्लेयर है जिनको आप और हम देखकर बड़े हुए हैं। गाइस इन सब के प्रति आज भी हम लोग के मन में एक लेजेंड बैठा हुआ है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना गेम इंडस्ट्री में, और काफी सारे लोग यहाँ पर है जो इनको अपना भगवान गुरु उनके साथ साथ अपना फेवरेट पर्सन भी मानते हैं। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रेसलर जो 2024 में अपना रिटायरी ले चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नंबर वन पे आते हैं किंग यानी कि विराट कोहली। गाइस विराट कोहली जो कि क्रिकेट के एक काफी अच्छे लेजेंड माने जाते हैं, ये भी अपना T20 से रिटायर्ड ले चुके हैं। तो गाइस 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने अपने यहाँ पर रिटायरी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो T20 फॉर्मेट से अब एक भी गेम नहीं खेलने वाले हैं, वो यहाँ पर T20 से अपना पूरी तरह से रिटायर्ड मिल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नंबर टू पे आते हैं जॉन सीना। वैसे गाइस इस समय जॉन सीना के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, ये WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड के नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल रेसलर। जब भी हम WWE का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह पर जॉन सीना का ही नाम आता है। वैसे गाइस जॉन सीना अपना पहली बार डेब्यू लिए थे WWE में 2001 में, और उन्होंने फाइनली 2024 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इस समय जॉन सीना का एज है 47 ईयर ओल्ड यानी कि 47 साल उम्र है अभी तक जॉन सीना की। ये नाम कई WWE में रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड और भी है 16 टाइम WWE वर्ल्ड चैंपियन। तो गाइस जॉन सीना 20 साल से ज्यादा भी अपना WWE में इंडस्ट्री में अपना टाइम दे चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनको ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल रेसलर के नाम से जाना जाता है। इनका फाइनल फेयरवेल है 2025 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आते हैं रोहित शर्मा। तो गाइस रोहित शर्मा इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता है क्रिकेट इंडस्ट्री में। भला गाइस इनको कौन नहीं जानता होगा, क्रिकेट इंडस्ट्री में इनको भी एक गोट के नाम से जानते हैं पूरे वर्ल्ड में। और गाइस रोहित शर्मा ये इंडिया के तीसरे ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जीता है T20 फॉर्मेट में, और इंडिया में ये 2024 के वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर भी रह चुके हैं T20 फॉर्मेट में। गाइस इस बार ये जब T20 वर्ल्ड कप जीते तो इन्होंने अपना T20 रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नंबर फोर पे आते हैं सुनील छेत्री। आई एम श्योर गाइस यहाँ पर काफी ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहाँ पर इनको काफी कम जानते होंगे। वैसे गाइस अगर इनके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर फुटबॉल के काफी अच्छे प्लेयर्स माने जाते थे इंडिया की तरफ से। तो गाइस इनके भी नाम यहाँ पर एक रिकॉर्ड दर्ज है, दुनिया के ऐसे ही तीसरे शख्स हो चुके हैं जिन्होंने हाईएस्ट गोल किया है रोनाल्डो और मेसी के बाद, लगभग 94 गोल किया है इन्होंने। तो गाइस वर्ल्ड कप मैच क्वालिफाई होने के बाद इन्होंने 6 जून को कुवैत में अपने यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था सारे वर्ल्ड के सामने। वैसे गाइस क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे या फिर नए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 5 पे बात कर लेते हैं जडेजा। गाइस जडेजा ने भी यहाँ पर T20 फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया इस बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जहाँ एक तरफ विराट कोहली रोहित शर्मा ने अपना अनाउंसमेंट किया, तो उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जडेजा ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के लिए। वैसे गाइस इंडिया की तरफ से जडेजा जो की काफी अच्छे ऑलराउंडर माना करते हैं। तो गाइस ये रहे पांच ऐसे लेजेंड जिन्होंने अपने यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इनके अलावा और भी काफी सारे रेसलर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जैसे कि गाइस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं यहाँ पर डेविड वार्नर, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने भी अपने यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उसके बाद जेमी एंडरसन और भी काफी यहाँ पर प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना इस बार रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया 2024। वैसे गाइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से आपका कौन सा फेवरेट ऐसा पर्सन था जिन्होंने इस बार 2024 में रिटायरमेंट लिया है।